Hellcat. हम कॉपी में पहले ए बी सी और डी बनाना सीख चुके हैं, आज उसका हम रिवीजन करेंगे बुक में। ठीक है, हम बनाना सीखेंगे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। ठीक है, तो ये ट्रेस बने हुए हैं, आपको बनाना है, उस पर पेंसिल चलाना है। स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, क्या बन के तैयार हो गया आपका? ए फॉर एप्पल। इसी तरह आपको पूरा ए फॉर एप्पल बनाते जाना है और लिखते हुए भी जाना है। आपने इसकी बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। ठीक है, ए फॉर एप्पल, यहाँ डॉट्स बने हुए हैं, उस डॉट पर आपको पेंसिल मर्ज करते हुए चलना है और क्या बनाना है? ए फॉर एप्पल। इसी तरह आपको ये सारे ए फॉर एप्पल कंप्लीट करना है। अब हम बनाएंगे बी फॉर बॉल। बी फॉल के भी ट्रेस बने हुए हैं, ट्रैक बने हुए हैं, आपको इस पर पेंसिल चलाना है। स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड कर्व्ड, क्या बन गया? बी फॉर बॉल। स्टैंडिंग लाइन, कर्व कर्व्ड, क्या बन के तैयार हो गया? बी फॉर बॉल। इसी तरह आपको बी फॉर बॉल बोलना है और लिखते हुए जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ये पूरा पेज आपको फील करना है बी फॉर बॉल का। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमको क्या बनाना सीखना है? सी फॉर कैट या सी फॉर कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे ट्रेस बने हुए हैं, आपको पेंसिल चलाना है। कर्व्ड, क्या बन के तैयार हो गया? सी। कर्व्ड, क्या बन के तैयार हो गया? सी। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। इसी तरह आपको पूरा पेज फील करना है। अब हम आ गए डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग भी बहुत सरल है। हम क्या करेंगे? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व्ड, क्या बन के तैयार हो गया? डी। स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड, डी फॉर डॉग, क्या बन के तैयार होगा आपका? डी फॉर डॉग। आपको इसी तरह बोलते जाना है और लिखते जाना है डी फॉर डॉग। इसी तरह आपको पूरा पेज फिल करना है। अब हम सीखेंगे ई फॉर एलिफेंट। क्या सीखेंगे? ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन, क्या बन के तैयार हो गया आपका? ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रेस बने हुए हैं, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, क्या बन के तैयार हो गया? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। इसी तरह आपको सारे ट्रेस पर ई फॉर एलिफेंट बनाना है। जहाँ पर ट्रेस नहीं है वहाँ पे आपको मम्मा या पापा से कहना है, वहाँ आपको डॉट लगा कर देंगे इस तरह से, और उसमें आपको ई फॉर एलिफेंट इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह आपको पूरा पेज पर ई फॉर एलिफेंट लिखते भी जाना है और बोलते भी जाना है, सारी चीज़ आपको कंप्लीट करना है। अभी हमने बुक में बनाना सीखा ई फॉर एलिफेंट, अब हम सीखेंगे कॉपी में। ठीक है, कॉपी में भी मैंने ट्रेस बना के रखे हुए हैं, उसके ऊपर आपको पेंसिल चलाना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, क्या बन के तैयार हो गया? ई फॉर एलिफेंट, लिखते हुए जाना है, बोलते हुए जाना है। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। इस तरह आपको सी डब्ल्यू का सारा वर्क कंप्लीट करना है और नेक्स्ट पेज जो आपका एच डब्ल्यू का होता है वो भी आपको होमवर्क में सारा कंप्लीट करना है। कॉपी मुझे स्कूल में लाकर चेक कराना है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।